वहीं छत्तीसगढ़ दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे घर वापसी अभियान के तहत कई नक्सलियों ने हिंसा छोड़ मुख्य धारा में प्रवेश किया है। आज भी कई सालों से सक्रिय 10 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। 2 सालों में 180 इनामी नक्सली सहित 815 नक्सली समर्पण कर चुके हैं। वहीं समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपए दी गई। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बस्तर एंड आईजी श्री सुंदरदास सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ श्री विकास कठेरिया सर, एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय सर के मार्गदर्शन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा लोनवराटो अभियान, घर वापस आइए अभियान का भी व्यापक प्रचार प्रसार गाँव गाँव तक किया जा रहा है। इसका व्यापक असर माओवादियों में देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में आज दिनांक 29/5/2024 को इंद्रावती इंडिया कम्युनिटी के 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उपरोक्त सभी माओवादी इंद्रावती इंडिया कम्युनिटी में रेखावाया जनताना सरकार के अंतर्गत मिलिशिया सदस्य, सीएनएम सदस्य एवं डीएके सदस्य के रूप में कार्यरत थे। उपरोक्त में से कोई भी इनामी नक्सली नहीं है। सभी माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने में डीआरजी दंतेवाड़ा बस्तर फाइटर टीम का विशेष योगदान रहा है और पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा सभी आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रत्येक को प्रदान की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन की सभी नीतियों का लाभ भी इन्हें भविष्य में दिलाया जाएगा। लोनवराटो अभियान के तहत अब तक 180 इनामी माओवादियों सहित कुल 815 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। प्रेस के माध्यम से ही जिला पुलिस दंतेवाड़ा की अपील है कि ऐसे भटके हुए सभी माओवादी हिंसा की राह छोड़कर आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा में जुड़कर शासन प्रशासन की सभी योजनाओं का लाभ लें एवं एक सामान्य जीवन बसर करें।